Schmottern Family. कौन लोग हैं? चोरी करवाने के लिए दरवाजा खुला रखा है। अरे अरे कौन और इस तरह क्यों घुसे चले आ रहे हो किसी के घर में? जी मैं जान। किसकी जान? मेरा नाम जान है। बेटा थोड़ी सी बना भी लो ना। चले ज्यादा लंबी मत करें यार, रुकैया मगरूर कौन है? अरे मगरूर नहीं मसरूर। और लग तो मगरूर रही है। ये लो। ये क्या है? लेटर। शर्म नहीं आती अपनी माँ की उम्र की लड़की को लव लेटर देते हुए? अरे अम्मा जी क्या हो गया, ये किसी रुकैया के नाम पे लेटर आया है। किसने भेजा है? किसी हशमत ने भेजा है अमेरिका से। क्या हशु ने मेरे लिए लेटर भेजा? हशु नहीं हशमत। अरे लाओ लाओ। आखिर हशु को मेरी याद आ गई, क्या लिखा इसमें? आंटी हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, हम बता नहीं सकते कि इसमें क्या लिखा है। बहरहाल आप इधर साइन कर दीजिए और मेरी फीस दे दें। फीस? जिसने ये लेटर भेजा उसने फीस नहीं दी तुम्हें? नहीं उन्होंने लेटर में मेंशन किया हुआ था कि फीस सामने वाली पार्टी देगी। हाँ हाँ फिर तो पक्का ये हशु ने ही भेजा। कितनी फीस? 5। अरे 5 रुपए तो खुले ही नहीं है मेरे पास। ओ बीबी अमेरिका का लेटर है 5,000 रुपए। इतना महंगा लेटर चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ चाहिए चाहिए बिल्कुल चाहिए। तुम जरा यही मेरा वेट करो, मैं अभी लेकर आती हूँ मेरी जान। पता नहीं गई तो ऐसे कहीं शॉर्ट ना हो जाए। अंगूरी माँ अंगूरी माँ अंगूरी माँ तो बेखबर घोड़े बेच के सो रही है। अंगूरी माँ अंगूरी माँ ओए मारी ओए मारी तेरा बेड़ा गरक हो। इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी मेरे को उठा दिया। क्या देख रही थी ख्वाब में? मेरे ख्वाब में वहीद आया था। कौन वहीद? अरे जाहिल वहीद मुराद मेरे ख्वाब में आया था और मेरे पाँव में इतनी बड़ी ईंट रख के कह रहा था, रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो। है? हाँ बराबर में नदीम भी खड़ा था कि ये नजराना देखे जाए तो मैं नजराना दूँ। अरे ये नजराने वजराने बाद में लेती रहना, ये देखे ये क्या है? अरे पापा मेरा दिल नहीं करता जा। हशु ने लव लेटर लिखा है मेरे नाम अमरीका से। हशु ने? जी। लिखा मेरे को? नहीं नो, ये सिर्फ मेरे लिए ओनली रुकैया। अच्छा हशु के पास अमेरिका में इतना फालतू टाइम है कि इसके लिए लव लेटर लिखते? अच्छा ना छोड़ो सारी बातें, 5,000 रुपए दे। 5,000? इतनी बड़ी रकम का तू क्या करेगी? अरे वो पोस्टमैन आया ना उसे देना है, उसकी फीस है। पोस्टमैन की? हाँ। मैंने तो कभी जिंदगी में स्कूल की फीस नहीं दी। अरे अंगूरी माँ बात दरअसल ये है, जो पोस्टमैन आता है ना खत लेकर उसे पैसे देने पड़ते हैं मेरी माँ। क्या पोस्टमैन पोस्टमैन कहती है तू? हमारे जमाना अच्छा था कि कबूतर में पर्ची डाली, आठ आने का बाजरा खिलाया, कबूतर चला जाता है, कबूतर जा 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 कबूतर जा। हाँ जब ही उसे ना बाजरा खा के बदहजमी हो जाती थी और वो गलत घर में चला जाता था लाइटर लेके, इसीलिए वहाँ लड़ाइयाँ भी होती थी बहुत पहले जमाने में। ये 5,000 से तो बेहतर है अपना नुकसान आठ आने का जो होता था ना बाजरे का, भले हुए लड़ाइयाँ। खबरदार सुल्तान, जो आपने आज के बाद से उस फेरी का नाम लिया तो। क्यों ना लूं? वो आखिर मेरी बीवी है। हाँ तो जाए ना उसके पास, यहाँ क्या कर रहे हैं? टाइम पास। क्या भाई मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये आप औरतें एक दूसरे से जलती क्यों हैं? मेरे इतने फजूल जज्बात नहीं है जो मैं जेलिस होंगी, समझे आप? भाई मैंने फैसला कर लिया है कि आपको और फेरी को ना एक साथ रखूंगा। सुल्तान मुझे हल्का देखकर हल्का समझने की गलती मत कीजिएगा। क्या मतलब? इसलिए कि मैं दिखने में तो हल्की हूँ लेकिन मेरा हाथ बहुत भारी है, समझे आप? बेगम आप हर वक्त मुझ पर ताकत की धौंस मत जमाया करें। तो फिर आप हर बात पे अपनी उस फेरी को बीच में मत लाया कीजिए ना। अरे भाई अब वो यहाँ आना चाह रही है तो मैं क्या करूँ? अब वो मुझ पे मरती है, अब मुझसे प्यार करती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कहाँ जाऊँ? आफरीन है उसके मरने पे, पता नहीं उसने इस शख्सियत में देख क्या लिया। भाई वही देखा है जो आपने मुझ पे देखा था। मैंने बहुत मजबूरी में आपसे शादी की थी, मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे तो आपसे शादी करना पड़ गई, वरना आप जैसा शौहर क्या मैं चौकीदार भी ना रखूं? बेगम मुझे लग रहा है कि आप मुझे जलील कर रही हैं। अफसोस आपको अभी तक लग रहा है मैं आपको जलील कर रही हूँ, दफा हो जाए कमरे से। ठीक है मैं हो जाता हूँ, फिर पछताती रहना। अल्लाह ना करे मैं पछताऊं। क्या हो गया बेरोज? बेबी मुझे ऐसा लगता है कि आपका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, मुझे शक होता है। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? इतनी सच्ची सावित्री औरत पर शक कर रहे हैं? हाँ मैं भी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, देखे ना आप सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हैं, मुझे टाइम ही नहीं देती। अरे वो तो मैं गेम खेल रही थी। बेबी
कहीं आप मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही ना? मेरा दिमाग कब ठीक होगा? नहीं नहीं, मैं आपके साथ भला क्यों गेम खेलूंगी? हाँ बेबी हाँ, मुझे चीट करने का कभी सोचना भी मत। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, मुझे तो सब कुछ यहाँ पर मिलता है, सारी सहूलतें यहाँ पर मिलती है। बेबी मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। आप एक काम कीजिए, किचन में जाइए, अपने नरम नरम हाथों से मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लेकर आए। मेरा बहुत दिल चाह रहा है, बहुत दिल चाह रहा है। पापा पापा पकौड़े बेसन खत्म हो गया घर में। ओ बेसन खत्म हो गया। हाँ, फिर हम एक काम करते हैं, बाहर जाकर खा के आते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, बाहर में नहीं चल रहे। क्यों क्यों? वो क्या है ना, बाहर लोग मुझे बड़ा घूर घूर कर देखते, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। और मर्दों की ना यही आदत है, जब अपनी बीवी लेके निकलते तो मर्दों को घूरते, और जब अकेले निकलते दूसरों की बीवियों को घूरते। मेरे होते हैं भला, तुम्हें कौन घूरता है, कौन घूरता है? लोग घूरते और कौन घूरेगा? वो क्या है ना कि मेरा मूड भी नहीं है। अरे बेबी तुम एक बार तैयार होकर आ जाओ, मैं तुम्हारा मूड बना दूंगा। लेकिन फायदा पैसे तो मुझे ही देने होते हैं। अरे बेबी तुम इतने प्यार से पैसे देती हो, मेरा भला दिल ही नहीं करता। ये तो बेगैरती है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं किचन में देखती हूँ, शायद थोड़ा सा बेसन मिल जाए तो पकौड़े बना लेती हूँ आपके लिए। वाह बेबी वाह, तुम कितनी क्यूट, कितनी स्वीट, कितनी इनोसेंट हो। जल्दी जाओ, बहुत भूख लग रही है, बना के लाओ, बना के लाओ। पता नहीं कितना खाता है इस पेट के अंदर। पकड़ेंगे पकड़ेंगे पकड़ेंगे। अरे कहाँ रह गई, कहीं शॉट तो नहीं हो गई, नजर ही नहीं आ रही कहीं। अरे बेटा वो लेटर देने तू ही आया है? जी 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 बिल्कुल। तो देके गया क्यों नहीं? जी जी वो डिलीवरी चार्जेस नहीं दी उन्होंने। उन्होंने हाँ, उसने मेरे को यहाँ तेरे पास भेजा है। तो पैसे आप देंगे? नहीं बेटा, मेरी क्या औकात, मैं किसी को पैसे दूँ? सबको देने वाला ऊपर वाला है मेरे बेटे। मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझाती हूँ तेरे को। तुझे पैसे चाहिए ना? जी। तेरे पास खुले पैसे हैं? हाँ हाँ है। मेरे पास नहीं, तो थोड़ा गरीब हो रहा तू, दुखिया रही, मेरी मदद अगर तू कर देगा तो उसका अजर तेरे को अल्लाह देगा इंशाल्लाह। बहुत जुल्म करती है आजकल की औलाद पे, भरोसा नहीं कर रही तेरी जवान औलाद ने तेरे को घर से निकाल दिया बेटा। है? हाँ। पर आप तो अभी भी घर पे? बस मैं निकल रही थी तो तेरे को देखा तो मैं बैठ गई। अफसोस हुआ सुनकर। जरा रुकैया मफरूर को बुला देंगी? वो तो मफरूर हो गई। मगर कैसे, अभी तो उन्होंने मुझसे लेटर लिया। यही तो उसकी खासियत है, तेरे से लेटर लिया पिछले दरवाजे से मफरूर। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? 5,000 दे तो तेरे को बताती। नहीं नहीं मुझे कोई 5,000 नहीं देने। अभी देखना उस औरत के खिलाफ अर्जेंट कंप्लेन लिखवाता हूँ मैं, चाहे रिश्वत में 10,000 क्यों ना देने पड़े। देख लेना आप तुम लोग। ओए मारी नौजवान नस्ल इतनी जाहिल है, जरा तमीज नहीं है। बताओ 10,000 रुपए रिश्वत में देगा, लेकिन एक माई की मदद करने के लिए 5,000 रुपए कोई नहीं देगा? क्या दुनिया हो गई है? कहाँ ढूंढूं, अल्लाह यहाँ भी नहीं है, क्या क्या पड़ा हुआ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे मुजाहिद तुम किचन में क्या कर रहे हो? मैं ना बेरोज के लिए पकौड़े बनाना चाह रही हूँ, मुझे ये बताए कि बेसन कहाँ है। ये बेरोज तो वाकई पागल हो गया। क्या बताऊं, एक पल के लिए मुझे तना नहीं छोड़ता, मेरी जिंदगी अजाब कर दी है उसने। वैसे मुजाहिद तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, कोई तुम्हें दिलो जान से प्यार करता। अरे भाड़ में गई ऐसी खुशी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी झाड़ू नहीं लगाई होगी। यहाँ बिरयानी बनानी पड़ रही है, कोफ्ते बनाने पड़ रहे हैं, जर्दा बनाना पड़ रहा है, पकौड़े की फरमाइश आ गई है। मुझे लगता है बहरोज तुमसे कोई बदला ले रहा है, क्योंकि इतना काम तो उसने बिस्मा से नहीं करवाया जितने काम वो तुमसे करवा रहा है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तुम यहाँ से भाग जाओ। अरे कैसे भाग जाऊँ, नाखून कटर के जितना छोटा सा चाकू जेब में रखा हुआ है, अगर मार दी तो मेरी अंतड़ियाँ निकल जाएगी, वो तो छूट जाएगा, उस पे तो कोई केस भी नहीं बनेगा, पागल है। तो फिर मुजाहिद तुम एक काम करो। हाँ क्या? तुम ना पकौड़े बनाओ। हाँ है? अच्छा ये तो बता दे बेसन किस कलर का होता है, कहाँ रखा हुआ है, हमने तो सिर्फ खाया ही खाया, बनाने का टाइम आया तो कुछ समझ नहीं आ रही। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग पैसों के सिवा कोई और बात क्यों नहीं करते? अरे हमारे पास नहीं है तो हम इसी की बात करेंगे ना, पैसों की और क्या करेंगे। अरे आप लोग मुझे समझने की कोशिश करें, मैं अपनी अज़दवाजी जिंदगी में बुरी तरह फंस गया हूँ। अरे ये मुसीबत तो तुमने ही अपने गले में बांधी है ना खुद, तुमने एक अजाब के होते हुए दूसरा अजाब क्यों पाला? आप अपनी बेटी को अजाब कह रही हैं? अरे
मैं उज़्मा को अजाब नहीं बोल रही, मैं तो उसे अजाब बोल रही हूँ जो उसके साथ रहता है। यानी कि आप मुझे अजाब बोल रही हैं? अरे मैं कौन होती हूँ तुम्हें अजाब बोलने वाली। ये देखो हर्षु का लेटर आया है ना, मैं तो इसलिए थोड़े से पैसे मांग रही हूँ तुमसे। इससे पहले बताया एक थैला भी कभी तुझसे मांगा मैंने? अरे क्या हो गया, अभी कुछ दिन पहले ही तो पूरे 22,000 रुपए मैंने दिए थे आपको। अरे वो तो कुछ दिन पहले की बात थे, आज कल मैं बता कुछ मांगा मैंने तुझसे? नहीं नहीं, अब मेरे पास एक थैला भी नहीं है। तेरे पास एक थैला भी नहीं है तो तू इतनी देर से मेरा दिमाग क्यों खा रहा, मेरा टाइम क्यों जाया कर रहा, इतना कीमती टाइम मेरा। निकल, गेट आउट, शाबाश, निकल निकल। अल्लाह कितनी मीटिंग्स करनी है मुझे, क्या क्या काम करना है, अल्लाह क्या करूं। अरे वाह, एक और कबूतर है मेरे पास, उसको दाना डाल के देखती हूँ। मोबाइल कहाँ है मेरा, मोबाइल कहाँ है? अरे ये रहा, ये रहा भाई, ये रहा। और दावे करते हैं ये, यूं कर दूंगा और यूं कर दूंगा और आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। बिल्कुल नहीं, तुम लोगों ने कानून को मजाक समझा हुआ है, एक एक को नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ रुकैया की कॉल। हेलो, कैसी हो रुकैया, आज कैसे याद कर लिया तुमने हमें? क्या है जी साहब, अब आप भी तंज करेंगे मुझ पे, क्या मैं आपसे ऐसे बात नहीं कर सकती? मुझे कैसे बात कर रहे हो, बिल्कुल कर सकती हो। कैसे है आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं थोड़ी परेशान हूँ। खैरियत, क्या परेशानी है? मुझे ना आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। अरे मैं अभी आ जाता हूँ। अरे आप ना भी आए तो ऑनलाइन हो जाएगा वो काम। नहीं नहीं रुकैया, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैं हूँ ना, क्यों परेशान होती, मैं अभी आ। मजा आ गया बेरोज, तेरी बेबी पकौड़े बहुत अच्छे बनाती है मन से। दादी माँ, बेबी आखिर है किसकी? मुझे तो खुद नहीं पता। इसके साथ अगर कड़क कॉफी मिल जाए ना तो बहुत मजा आ जाए मन से। बेबी वो क्या है ना बेरोज, आज मेरी सुबह से तबीयत ठीक नहीं है। ये ज्यादा कामचोर नहीं हो गई है? हाँ दादी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बेबी आप एक बात का बुरा मत मानना, जब सब सवाज से आई हो ना आपका काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता। अच्छा अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। खबरदार खबरदार, तुम जो अगर इस घर से बाहर निकली तो। नहीं नहीं, मैं तो ये कहना चाह रही थी आप लोगों को ऐसा लगता है मैं काम छोड़ू, मैं अभी कॉफी बना के लाती हूँ आप लोगों के लिए। वेरी गुड, जैसे ये बहुत समझदार हो गई है। दादी ये मेरी ट्रेनिंग है, मेरी ट्रेनिंग, मैंने खींच के रखा है काम को। बस निकलने नहीं देना शाम को, वरना आएगी आधी रात को। रुकैया रुकैया। अरे आईजी साहब ये सब क्या है? अरे भाई मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था, रास्ते में एक बाइक वाले के बच्चे से ये गिर गए, मैं तुम्हारे लिए ले आया उठा के सारे। शुक्रिया आईजी साहब, मैं भी बोलू इतना खर्चा कैसे कर लिया। ये बताओ तुम परेशान क्यों थे? अरे आईजी साहब समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो शुरू से शुरू करो। अरे वो बच्चा चला गया, नजर नहीं आ रहा। कौन बच्चा? अरे वो डाकिये का बच्चा, नजर नहीं आ रहा, शायद चला गया होगा, आप भी जा सकते। समझा नहीं। अरे वो खत लेकर आया था ना। अरे उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे लिए लेटर लेके आया? अरे वो लेटर मेरे लिए नहीं लाया, उसका तो काम ही है घर घर खत देना, तो वो मेरे लिए भी खत लेकर आ गया। मगर रुकैया मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हें लव लेटर दे। आईजी साहब आज मैं गमगीन कम और खुश बहुत ज्यादा हूँ। अच्छा, खुशी की कोई खास वजह? हाँ हाँ, ये लेटर जो है ना हर्षु ने अमरीका की जेल से भेजा है मुझे। अमरीका की जेल में भी चैन नहीं? आईजी साहब आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं पूछ रहा था क्या लिखा है इसमें। अरे आईजी साहब इंग्लिश में लिखा है ना, इसलिए अभी पढ़ा नहीं मैंने। तो तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? पाकिस्तानी वाली अंग्रेजी तो मुझे ऐसी आती है फटाफट, थैंक यू, गेट लॉस, वेलकम, मगर है ना अमरीका वाली नहीं आती। आपको आती है? हाँ हाँ मुझे आती है। हैं तो फिर ये पढ़ के बताए ना। देखा। अरे आईजी साहब लेटर को सीधा तो कर ले। अच्छा अच्छा अच्छा, लाइए मुझे दे दे, मैं समझ गई। मगर मैंने तो भी पढ़ाई नहीं है। अरे मैं समझ गई हूँ कि आपको भी अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती, ड्यूटी टाइम हो गया ना, आप जाएं आपको बहुत सारे मुलजिम पकड़ने होंगे। अरे रुकैया टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे आईजी साहब, फिर मिलेंगे। अरे रुकैया मेरी बात तो सुन। क्या हो गया यार,
चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हशु को रुकैया की याद आई है। उज्मा कहाँ गई? उज्मा, उज्मी कहाँ हो? उज्मी कहाँ हो? अरे क्या हुआ अम्मा, सब खैरियत है? बिल्कुल खैरियत है, ये देखो हशु ने लव लेटर लिखा है मेरे लिए। क्या सच में? बिल्कुल सच। चलो हशमत अंकल को आपकी याद तो आई। उज्मा, अम्मा ठीक ही तो कह रही हूँ, मैंने तो हमेशा उनके लिए आपको तड़पते ही देखा है। हाँ कह तो तू सही रही है बेटा, मगर देख ज्यादा लंबाइयां निकल, मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा है, जरा पढ़ के तो सुना। अच्छा अच्छा, उज्मा और आगे भी बढ़ जा। अच्छा अच्छा बता रही हूँ, अम्मा हशमत अंकल ने खत में लिखा है हम उनसे मिलने अमेरिका जा सकते हैं। वाकई? हाँ यस। लेकिन अम्मा एक मसला है। आई वो क्या मसला? ये है कि उनसे अमेरिका जेल में मिलने वही जा सकता है जिसको इंग्लिश आती हो। हशमत